एक तरफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हाईकोर्ट ने यह कहा कि अहमदाबाद शहर में रखड़ते हुए पशु को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पकड़ना है और अहमदाबाद के मुख्य रास्तों पर कोई भी पशु ना दिखे। लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ विपरीती कार्य कर रहा है। हाईकोर्ट के कहने पर पशुओं को तो पकड़ता है लेकिन पशुओं की हत्या करने का कार्य भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा हो रहा है। हर रोज करीबन 30 गायों का प्रतिदिन 30 गायों की मृत्यु अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पांजरा पोल में होती हो तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रेस को यह बताता है कि गाय का प्लास्टिक खाने से मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम किया जाता है, 25 किलो प्लास्टिक गाय के पेट से निकलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वही प्लास्टिक है जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 5 साल से बैन कर दिया गया है। आज भी अहमदाबाद शहर में 200 से अधिक ऐसे स्थल है जहां पर न्यूसेंस कचरा आता हो और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसे उठाता नहीं है और गाय और पशु उसे खाकर मृत्यु हो जाती है जिसकी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गाय के नाम पर वोट मांगती हो, गली गली जाकर गाय के नाम पर प्रचार करती हो और वही गुजरात की सबसे बड़ी महानगर पालिका अहमदाबाद का 9,000 करोड़ का बजट होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के राज में यदि हर रोज 30 गायों की मृत्यु होती हो और करीबन आंकड़ा हर महीने 600 से अधिक जाता हो तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर सिर्फ राजकारण करती है। गाय को पकड़ती तो है लेकिन पकड़कर मृत्यु देने का काम भारतीय जनता पार्टी का अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहा है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भ्रष्टाचार का सबसे मुख्य तोहफा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अहमदाबाद शहर की जनता को दिया है। 50 करोड़ की लागत से बनाया हुआ ब्रिज जिसको 2 वर्ष में बंद कर देना पड़ा, आज वो ब्रिज पिछले 2 वर्ष से बंद पड़ा है। लोगों के रोजगार उस ब्रिज के नीचे जो दुकानदार है उनके रोजगार बंद पड़े हुए हैं। ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2 महीने पहले भी सदन में कांग्रेस पार्टी ने कमिश्नर से पूछा था कि हाटकेश्वर ब्रिज को कब तोड़ा जाएगा और कब बनाया जाएगा, लेकिन उस समय भी चुप्पी बनाई गई, कोई जवाब नहीं आया। आज भी अहमदाबाद शहर के मेयर श्री को विपक्ष द्वारा जब ये सवाल किया गया कोई जवाब नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं ये बताता है कि हाटकेश्वर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सुधरने का नाम नहीं लेती। हाटकेश्वर जैसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, आज भी सनातन ब्रिज जिसमें ओडा के द्वारा बनाया गया, जो 3 महीने में जो ब्रिज जर्जरित हो गया, जिसका डामर निकल गया, वही कॉन्ट्रेक्टर आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नरोड़ा का ब्रिज बना रहा है। और कहीं ना कहीं हाटकेश्वर के मुद्दे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सुधरने का नाम नहीं लेती। जब भी यह विपक्ष हाटकेश्वर का मुद्दा उठाता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भागने का काम करती है और सिर्फ तारीख पे तारीख देने का कार्य कर रही है।